ठेकेदार 80 रुपया जो लेते थे वो बचाते थे, और जब कोई अधिकारी आ जाता था तो खेदना पड़ता था। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, यात्री की बात छोड़िए, हम लोग ड्राइवर हैं, ये बरसात होती है तो हम लोग भीगते हैं, भीग कर अपना सवारी बुलाते हैं। टैक्सी स्टैंड जैसे होना चाहिए वैसे नहीं है। सुल्तानपुर ज़िले में किसी भी स्टैंड पर चले जाओ, सारे ऐसे ही हैं। तो पीछे देखो, कबाड़ा फेंका जाएगा, यहीं गाड़ी खड़ी होंगी, यहीं सारा काम, और सवारी यहाँ बैठती नहीं, अगर बैठाएं ये लोग तो उतर भाग जाती हैं। प्रायोजक है सुल्तानपुर बल्दीराय का नंबर 1 सेंट जॉन्स कॉन्वेंट स्कूल गनापुर। एडमिशन कराएं, 50% डिस्काउंट पाएं। इस वक्त हम हैं सुल्तानपुर के गोलाघाट टैक्सी स्टैंड पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कुछ वाहन गाड़ियों के ड्राइवर। इनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर टैक्सी स्टैंड पर किस तरह की सुविधाएं नगर पालिका की तरफ से दी गई हैं, क्या सुविधा है यहाँ पे? कोई सुविधा नहीं है, वहाँ से नीचे आते हैं, खेदे जाते हैं, नीचे भरते हैं, और यही पानी वानी कचरा सब यहाँ फेंका जाता है, कोई सुविधा नहीं। जो यात्री आते हैं अगर उनको टॉयलेट पानी पीने की कुछ सुविधा है यहाँ पे? नहीं सर, कुछ सर नहीं है सर, कुछ नहीं सर है, पानी यहाँ सर मिलता ही नहीं पानी वानी सर। टोकन कितना पैसा लग रहा है? टोकन नहीं लगता सर। कितने दिन से नहीं लग रहा है टोकन? 2 महीने हो गए सर। 2 महीने हो गए? एक लोग बोलिए, 2 महीना हो गया टोकन नहीं लिया जा रहा? नहीं, टोकन नहीं लिया जा रहा। थोड़ा तेज बोलिएगा, इसके पहले कितने रुपए टोकन था? 80 रुपये भाई, एक आदमी 80 रुपये सर था पर डे का। 80 रुपये लिया जाता था नगर पालिका की तरफ से, और 80 रुपये के बदले मिलता क्या था आपको? यही सवारी भरने में मिलता है। तो सवारी तो आप पटरी पे भर रहे हैं? नहीं, वो खेदे जाते हैं जब पैसा नहीं दे रहे थे। क्या होता है? खेत देते हैं हम लोगों को, यहाँ ना लगाओ। कौन खेदता है? अरे यही पुलिस वाले खेदते हैं। पुलिस वाले की या ठेकेदार? ठेकेदार तो बचाते हैं, जब रहते थे तो ठेकेदार 80 रुपया जो लेते थे वो बचाते थे, और जब कोई अधिकारी आ जाता था तो खेदना पड़ता था उनको। मेरा कहने का मतलब है, नगर पालिका जो आपसे पर डे 80 रुपये लेता था, उसके बदले में आपको देता क्या था? यही भरने दे रहा है, यही लगाने गाड़ी नीचे दे रहा है, और क्या दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है उसके बाद। आप 80 रुपये यहाँ पर गाड़ी खड़ा करने का नगर पालिका को देते थे? बस वही 80 रुपये देते। देख रहे हैं सुल्तानपुर में टैक्सी स्टैंड की क्या स्थिति है। ये स्थिति गोलाघाट की नहीं है, यही स्थिति करौंदिया की है, यही स्थिति गबड़िया की है, यह स्थिति राहुल तिराहे की है। चुनावी फोर एकदम अपने आप में चरम पर है, चुनावी उफान चरम पर है, लेकिन टैक्सी स्टैंड की बात कोई नहीं कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे? आप भी ड्राइवर हैं? जी। टैक्सी स्टैंड को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए भैया, टैक्सी स्टैंड के जो और जगह है काफ़ी सुविधा है, हर जगह से फैजाबाद हुआ, गोंडा हुआ, लखनऊ हुआ, हर जगह काफ़ी सुविधा है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। वहाँ पर क्या क्या सुविधाएँ हैं और क्या आपको मिलनी चाहिए? नहीं, वहाँ पर जैसे एक लाइन से बनी हुई है और छाजन भी है, यात्री आते हैं उसके अंदर बैठ जाते हैं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। यात्री की बात छोड़िए, हम लोग ड्राइवर हैं, ये बरसात होती है तो हम लोग भीगते हैं, भीग कर अपना सवारी बुलाते हैं। फिर ये 80 रुपये लेता क्यों है नगर पालिका? ये तो नगर पालिका अब नहीं समय नहीं ले रहा है, दो ढाई महीने से लगभग समझ लीजिए, उसके पहले जो है 80 रुपये लेता था। 80 रुपये ले रहा था। क्या कहना चाहेंगे जुनैद भाई आप इस टैक्सी स्टैंड के बारे में? ये हमको जानकारी, हमें जानकारी बड़े भाई नहीं है। आप गाड़ी है आपके पास? गाड़ी है, लेकिन हमें कोई आपत्ति है नहीं किसी चीज़ से, कि हम बताएं कि हमें तकलीफ है आपसे या इनसे। इतनी गाड़ियां हैं आपके पास? गाड़ियां ढेर तो नहीं है, कमांडर है एक जो। एक कमांडर है? 15 साल की हो गई होगी? नहीं, 14 साल की। 14 की है, इसीलिए आप नहीं बोल रहे हैं क्योंकि परमिट होगा नहीं आपका, टैक्सी स्टैंड के बारे में बात कर रहे हैं। तब तो कहता है कि हमका जानकारी कम है, इनसे पूछा। अच्छा, ये तो बुजुर्ग हैं, ड्राइवर है आप? ये टैक्सी स्टैंड के बारे में क्या कहेंगे? अरे साहब, एक तो नलका ना है, ना पानी पिए की व्यवस्था, यात्री अवध परेशान हो थे, टट्टी पेशाब के कोनो जगह ना बना था, पानी यहाँ नहीं मिलता सर। और हम सबके यहाँ कूड़ा उड़ा लाग गान दिया साहब, हम कहूँ सब कहूँ धूल दबाओ जाए पुलिस वाले, जब तक भाई ऐसा मत करो रोड पे, यही समस्या है भाई। क्या कहना चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ होना चाहिए साहब एक लैटरिन,
एक नल का, और बाकी तो साहब यहाँ हम लोग को पूरा जगह है रहने के लिए, यहाँ रुकने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही दो चीज़ है यहाँ। देखिए इनकी डिमांड जो है बहुत छोटी है, एक टॉयलेट चाहते हैं और एक नल चाहते हैं, जबकि टैक्सी स्टैंड पे पूरी बाउंड्री वॉल चाहिए, यात्रियों के बैठने के लिए टीन सेट चाहिए, गाड़ियों के खड़ी होने के लिए पूरा सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बावजूद यहाँ पर आज़ादी के बाद सुल्तानपुर में एक भी टैक्सी स्टैंड नहीं है। अब इस चुनाव बाद क्या उम्मीद करते हैं, कुछ बनेगा? हमें नहीं पता भाई क्या बनेगा क्या नहीं। आप यात्री हैं या? हम तो ऐसे यात्री हैं, घूम रहे थे, चले आए आपको देखे। यहाँ का टैक्सी स्टैंड आप तो घूमते होंगे, लखनऊ भी जाते होंगे, फैजाबाद भी जाते होंगे। सुल्तानपुर में नहीं है टैक्सी स्टैंड कहीं भी सही से, जैसा होना चाहिए टैक्सी स्टैंड जैसे होना चाहिए वैसे नहीं है। सुल्तानपुर ज़िले में किसी भी स्टैंड पे चले जाओ सारे ऐसे ही हैं, पीछे देखो कबाड़ा फेंका जाएगा, यहीं गाड़ी खड़ी होंगी, यहीं सारा काम, और सवारी यहाँ बैठती नहीं, अगर बैठाएं ये लोग तो उतर भाग जाती हैं। ऊपर भाई लगाई है, गंध मारेगा तो कौन बैठेगा यहाँ, ऊपर लगाओ वहीं भरते हैं, वो देखो लगी है विक्रम, वो भर के जाएगी। यहाँ पर सिर्फ नंबर लगाने के लिए ये विक्रम और सवारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, क्योंकि इतनी यहाँ पर बदबू है कि सवारी यहाँ पर बैठना पसंद नहीं करते। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।